संभल के असमौली शिव मंदिर के निकट स्थित बूढ़े बाबा के मेला मंदिर में प्राचीन काल से रामलीला का मंचन होता चला रहा है। आज रात्रि उसी क्रम में श्री शिव महामंडल रामलीला समिति के तत्वावधान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन श्री राधा कृष्ण लोक कला भारतीय मंडल वृंदावन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। जिलाध्यक्ष द्वारा रामचरितमानस एवं व्यासपीठ का पूजन भी किया गया। पंडित व्रजवल शर्मा द्वारा मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ पूजन कराया गया। रामलीला समिति के पदाधिकारियों द्वारा जिलाध्यक्ष अनामिका यादव का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बायो आर्जेनिक्स शुगर मिल के उपाध्यक्ष हिमांशु कुमार मंगलम द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं और हमें उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारकर बुराइयों को दूर करना चाहिए। इस अवसर पर अरविंद कुमार, महिपाल यादव, अनुपम यादव, नरेश कुमार यादव, विक्रम यादव, मिल के GM इंद्र कुमार, ग्राम प्रधान डॉली आदि उपस्थित रहे। ये द्योतक है कि हम अपनी सनातन संस्कृति से आज भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना पूर्व में करते थे, चाहे कोई भी परिस्थितियां रही हो। बड़ा ही सुंदर संचालन आज के दिनों में संभल जिले में चल रहा है कल के महोत्सव का। हम सभी परिवार, जो परिवार ये जानता है कि हमें कुछ लेने से पहले कुछ देने की इच्छा रखनी चाहिए। भगवान श्री राम देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।